मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये पूछ सकते हैं आप, ताक कभी पीने का, दूध कभी पीने का? ताक हमेशा दोपहर को पीना, दूध हमेशा रात्रि को पीना, और जूस हमेशा सकाड़ी, सकाड़ी जेवण नंतर जूस पीने का, दोपहरी जेवण नंतर ताक पीने की, रात्रि जेवण नंतर दूध पीने का। आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है, सकाड़ी जूस, दोपहरी ताक और रात्रि को दूध। बात ऐसी है, हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं, हमारे पेट में उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पड़ती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते हैं। वो रस हमारे पेट में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ताक को पचाने के लिए, दही को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो दोपहर को ही पेट में आता है ज्यादा। दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पेट में पैदा होता है ज्यादा। और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाड़ी सबसे जास्ती होता है। इसलिए नियम बना दिया गया, सकाड़ी जेवण नंतर जूस, दोपहरी जेवण नंतर ताक, रात्रि जेवण नंतर दूध। समझ गए? अब आप, ये बहुत सारी आई और ताई यहां जो बैठी है वो ये कहेगी, हम तो हमारे बच्चों को सुबह सुबह दूध पिला के स्कूल भेजते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का समय दूध पीने के लिए अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा समय दूध पीने का है वो शाम को है। तो आप क्या पिलाएं सुबह सुबह बच्चों को? जूस पिलाइए, संतरे का रस पिलाइए, मौसमी का पिलाइए, द्राक्षी का पिलाइए, टमाटर का पिलाइए, गाजर का पिलाइए, कुछ नहीं है तो नींबू की शिकंजी ही पिला दीजिए, सबसे सस्ता। और जितने दिन उस खाने को मिलता है, जितने दिन, 3 महीने 4 महीने, तो सकाड़ी उस का रस जरूर पीने का, नाश्ता नंतर जेवण नंतर। आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये जो उस का रस है ये अद्भुत है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। और हमारे शरीर की ये जो हड्डियां होती हैं, इनको बनाने के लिए कैल्शियम सबसे जास्ती उपयोग में आता है, और जूस जो है उस का रस, उसमें सबसे जास्ती कैल्शियम, फिर दूसरे नंबर पे सबसे जास्ती फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस अगर किसी उस में, सॉरी किसी रस में है, तो वो तो सबसे अद्भुत है। इसलिए उस का रस जितने दिन मिले जरूर पीना। क्या क्या फायदा होगा? हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, ताकत बहुत ज्यादा आएगी। और मैं आपको एक दो माहिती देता हूं, जो ऊस का रस पी सकते हैं सुबह सुबह, उनको जिंदगी में कभी भी कावड़ रोग नहीं हो सकता। कावड़, कावड़ समझते हैं मराठी में, जॉन्डिस, आंखें पीली पीली हो जाती हैं, लघवी एकदम पीली आने लगती है, शरीर टूट जाता है, बिस्तर पे लेटना पड़ जाता है। और कावड़ की दुनिया में औषध नहीं है। एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेगा कावड़ की औषध नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक होता है। डॉक्टर कहेगा आराम करो 20 दिवस, 25 दिवस, 30 दिवस, लेकिन इस कावड़ को होने नहीं देना, इसकी सबसे बड़ी ताकत है ऊस के रस में। तो ऊस का रस पिया सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं ऊस का रस पीने को, कि सारे के सारे भारतीय नागरिक रोज सकाड़ी एक गिलास ऊस का रस पिए, तो भारत के जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सब श्रीमंत और कोटिपति हो जाएं। आप बोलेंगे वो कैसे? अभी क्या होता है, जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सारा ऊस साकर कारखाने में जाता है। साकर कारखाना चलाने वाला तो कोटिपति और श्रीमंत हो जाता है, शेतकरी वहीं का वहीं रोडपति रह जाता है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो भी शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं सब गरीब हैं, रोडपति हैं।
लेकिन उनके ऊस को साखर बनाने वाले जो श्रीमंत हैं और कोटिपति हैं, कारखाने के मालिक, वो सब उद्योगपति है। ये चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा सीधा है। ऊस का भाव बहुत कम है, साखर का भाव बहुत जास्ती है। ऊस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव कम ही है, लेकिन साखर बनाने वाले श्रीमंत को भाव सबसे जास्ती है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऊस में से साखर बने एक भी शेतकरी श्रीमंत नहीं हो सकता। अगर इसी ऊस का रस बिकने लगे और सारे भारतवासी पीने लगे तो ऊस उत्पन्न करने वाला हरेक शेतकरी श्रीमंत होता है। और एक फायदा होता है, अगर ऊस का रस पिए ना तो नपुंसकता की बीमारी कभी नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं, अगर आपके घर में ऐसे कोई पति पत्नी हैं जिनका विवाह हो गया लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, कमी किसी को भी हो सकती है, स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, ऐसे किसी भी पति पत्नी को कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो ऊस का रस पियो। और क्या डालकर पियो? चूना डालकर पियो। चूना देखा है पान में जो लगाते हैं, वो चूना 1 ग्राम 1 गिलास ऊस के रस में मिला के 3-4 महीने से 5-6 महीने तक कोई भी पी ले, बड़े आराम से बच्चा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में तो सबसे जल्दी बच्चा होगा जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है और इस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए तो ये अचूक औषध है, ऊस का रस और थोड़ा सा चूना। ये ऊस का रस और चूना दुनिया की सबसे अद्भुत औषध है, आप इसको पी सकते हैं। गुड़गे दुखने का अगर रोग है ना तो भी इसको पी लीजिए, गुड़गा दुखना कम कर देगा। कांधा दुखता है, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऊस के रस में चूना मिला के पीजिए, बहुत अद्भुत परिणाम। बार बार काविड़ होता है, उसके रस में चूना मिला के पीजिए, और अच्छे परिणाम। नपुंसकता है, शारीरिक कमजोरी है, उसमें भी ये काम करता है। तो मेरा कहना है आयुर्वेद का नियम सकाड़ी जेवन नंतर जूस पीने का, तो उसका रस सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर संतरे का रस, मुसम्मी का रस, द्राक्षी का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, और ये जितने भी रस आप पियेंगे सबका पैसा शेतकरी समाज को ही मिलेगा। और शेतकरी समाज को पैसा मिलेगा, शेतकरी समाज श्रीमंत होगा। मेरी आपको एक छोटी सी विनंती है, कुछ और रस आते हैं हमारे देश में बोतल में बंद, वो कभी नहीं पीना, वो सब खतरनाक है। जैसे बोतल बंद, बाटली में बंद एक रस आता है पेप्सी कोला, एक है कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी, ये सब बाटली में बंद आते हैं ना, और पैकेट में भी बंद आते हैं, ये खराब है, इनको नहीं पीना, क्योंकि इनमें दम नहीं है। आप बोलेंगे क्या दम नहीं है, इनमें है क्या? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान के विद्यार्थियों के ऐसे 14 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और ये सब जहर है, सभी विष है। ये पेप्सी और कोका कोला में तो एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड से आप जानते हैं क्या बनता है? संडा साफ करने वाला हार्पिक। आपने टीवी जाहिरात देखा हार्पिक, वो संडास पात्र पे डालो, 2 मिनट में फ्लश करो, झकाझक सफेद कर देता है। वो कैसे कर देता है? उसमें एसिड मिलाया हुआ है जिसको तेजाब कहते हैं और उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। वही एसिड पेप्सी कोका कोला में भी मिलाया जाता है। तो एक बार मैंने सोचा कि हार्पिक से अगर संडास साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एसिड है। तो मैंने मेरे घर में करके देखा। मैंने मेरे घर में क्या किया, 1 महीने तक संडा साफ नहीं किया, खूब गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया उसमें। फिर मैं पेप्सी और कोका कोला की बाटली लेके आया और संडास पात्र पे गिराया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया,
संडास पात्र झक्का झक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, एकदम नीट एंड क्लीन। वो दिन से मैंने एक जाहिरात शुरू किया है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे श्रीमंत लोग ये टॉयलेट क्लीनर गटागट पीते रहते हैं, जास्ती एजुकेटेड जास्ती पीते रहते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर सब संडा साफ करने वाला पानी पी रहे। किसी के लग्न प्रसंग में जाते हैं ना तो फोकट में मिलता है तो दो दो तीन तीन बाटली गटकते हैं, और पीने वाले घर में अकेले नहीं पीते, कोई मेहमान आ गया उसको भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस अंडा साफ करने का पानी पिलाते रहते, और कुछ अतिथि अपने घर में ऐसे आते हैं जो कहते हैं ठंडा लाओ, माने हमको संडा साफ करने का पानी पिलाओ। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, ये पेप्सी कोक थम्सअप लिमका सिट्रा नहीं पीना, क्योंकि इसमें एसिड है, वो एसिड पेट को जलाता है, एसिडिटी पैदा करता है। और सबसे तकलीफ की बात पता है क्या, कि आप बाटली खरीदते हैं वो 10-12 रुपए की आती है, कारखाने में सिर्फ 70 पैसे की बनती है, वो 12 रुपए में आप खरीदते हैं। और ये पेप्सी कोका कोला की बाटली विदेशी कंपनी की है, अमेरिका की कंपनी की है, वो भारत की नहीं है। तो आप अगर 12 रुपए की बाटली खरीदें 70 पैसा खर्चा होता है, 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा होता है परदेशी कंपनी को, उसमें से वो 1 रुपए 1.5 रुपए टैक्स का देके फिर दुकानदार को 1-2 रुपए देके एक बाटली पर लगभग 8 से 8.5 रुपए कमा के अमेरिका ले जाते हैं। अगर एक बाटली पेप्सी कोला किसी ने पिया 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दिया, 2 बाटली पिया 16 रुपए दिया, 3 बाटली पिया 24 रुपए दिया। दर वर्ष ही भारत में पेप्सी कोका कोला की 700 कोटी बाटली बिकती है, और दर वर्ष ही भारत देश का 5,700 कोटी रुपए अमेरिका जाता है। 5,700 कोटी रुपए इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो बीड़ जिले के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।